फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रवि। आज हमने जो है कल BTST के लिए एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी का, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रेड है, ये वाला, एक मिनट दिखाता हूँ। कल मैंने दोपहर के टाइम ही ये वाला ट्रेड दिया था BTST के लिए। ये वाला 3:12 में मैंने ये ट्रेड दिया था। आप सुन सकते हो क्या बोला है मैंने। अभी बैंक निफ्टी में जो भी प्रीमियम 50 रुपये चालू है ना, 50 से 60 रुपया, वो BTST के लिए उठा लो। तो ये वाला जो है अपडेट मैंने 3:12 में दिया था। कॉल साइड का मैंने BTST करने के लिए बोला था, जो भी 50 या 60 रुपया प्रीमियम चल रहा है वो मैंने बाय करने के लिए दिया था। और आज का अगर देखेंगे आप, ये मेरा मार्केट का एनालिसिस का वीडियो है, डेली में जो डालता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये कुछ शॉर्ट्स है। और हमने अभी रिसेंटली लाइव भी शुरू कर दिया है, तो जो भी मेरे चैनल से नए पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो सकते हो गोल्डन बुश की टीम में, कम्युनिटी में, क्योंकि लाइव डेली हम लोग लाइव भी करते हैं। और ये जो लेवल जो है, मैंने कम से कम 3 से 4 दिन पहले लेवल मैंने डाल दिए थे अपने ग्रुप में कि मार्केट जो है ये लेवल पे आ सकता है। ये मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो 5 दिसंबर का, मतलब ये आज का ही है जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट। ये मैंने पहले से ही लेवल ड्रॉ करके रखा था, तो आज मेरा जो लेवल था 820,830 का, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हो रहा था, तो मैंने अपडेट दे दिया था यहाँ पे कि मार्केट रेजिस्टेंस अपना जो है वहीं पे मार्केट खुल रहा है। तो उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट भी किया है अपने रेजिस्टेंस को। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा है BTST वाले रॉक। आज सुबह का अपडेट था ये, 9:52 में 4x गेन तो ओपन होते ही दिख रहा था, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कितना गया है। और आज दोपहर में जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने क्लियरली बोल दिया था सबको, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। 11:59 मतलब 12 बजे लगभग मैंने बोल दिया था कि मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे नीचे आया था तो मुझे ये वाला पैटर्न दिख रहा था, एन दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमने ये मूव भी पकड़ा था कॉल साइड के लिए। तो यहाँ पे जब आया कोई शॉर्ट करेगा तो मैंने ग्रुप में बोल दिया था कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, मुझे एन पैटर्न दिख रहा है। ये भी मैसेज किया था कि सबको शायद ये मैसेज ने हेल्प किया होगा। तो हमने ये वाला ट्रेड लिया था, 20,800 का भी एक ट्रेड लिया था, और उससे पहले हमने लिया था एक और ट्रेड लिया था मैंने दिया था। ये हमारा लाइव स्ट्रीम का है आज का। आप मेरे चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने जो 2-3 ट्रेड दिए आज, एक हमने 0-0 फिन निफ्टी का भी किया है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 20 पॉइंट रनिंग। ये फिन निफ्टी का 0-0 ट्रेड मैंने दिया था चैनल में, 21,000 का सी, सॉरी ये नहीं, ये गलती से टाइप हो गया था। फिन निफ्टी का 21,000 का सी जो आज का दिया था मैंने, 40-45 रुपीज़ को बाइंग दिया था। SL 33 का था वो, एक्टिव होने के बाद में उसने हाई जो मारा है वो आप देख सकते हो, 70 का हाई लगा चुका है वो, 70 का हाई लगा चुका है 2:36 में। ठीक है, ये वाला जो मैंने दिया था यन पैटर्न जो मुझे लग रहा था, यहाँ पे मैंने बोला था 12 बजे के आसपास मार्केट को कोई शॉर्ट मत करो, तो यहाँ से जो मेरा व्यू था उसी व्यू की तरफ मार्केट गया था। चलो मैं अभी आपको मेरा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज्वाइन हो सकते हो। तो हमने रिसेंटली जो लाइव स्टार्ट किया है तो इसका कुछ वीडियोज़ है, और ये डेली एनालिसिस जो है मैं डालते रहता हूँ, डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर पहली बार आप जुड़ रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलो अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी आप अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो ये अप मूव दिया है, तो अभी सॉरी ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे कंटिन्यूसली ये जो मूव दिया है और आज का जो क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल लग रहा है मुझे ये डेली में। अभी चलो देखते हैं इसको 15 मिनट में क्या बन रहा है। यहाँ पे आज जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो आवरली में अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज एक रेंज बना चुका है और एक पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक जो है पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये वाला जो है ये ट्रायंगल पैटर्न है इसका। अभी मैंने ये ड्राइंग में मैंने टारगेट्स और लेवल्स निकाल के रखे हैं, मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है इसलिए। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना, यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, ये वाला जो है इसका अगर कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, मोस्टली तो करेक्शन एक पेंडिंग है मार्केट में, एक करेक्शन आना चाहिए। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो सेलर्स के लिए अच्छा दिन रहेगा क्योंकि प्रीमियम जो हाई हो चुके हैं तो उनको सेलिंग के लिए सबसे बढ़िया मौका है। इसलिए मार्केट हो सकता है गैप अप भी हो जाए, क्योंकि निफ्टी भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है, तो गैप अप होके या रेजिस्टेंस के पास ही जाके मार्केट साइडवेज ज़्यादा करके मुझे लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है और प्रीमियम डीके का फ़ायदा अगर सेलर्स को उठाना है तो मार्केट को वो मूव नहीं करने देंगे कहीं पे। अगर फिर भी मार्केट कहीं पे गैप अप या गैप डाउन होता है तो कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन अगर होता है, तो हम ये जो लो है इसके नीचे, हम डे लो के नीचे अगर ओपन होता है यहाँ पे डे लो के आसपास, यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिता के नीचे निकलता है तो हम पी साइड का ट्रेड लेंगे। और इम्पोर्टेंट लेवल जो होने वाला है तो 900 के नीचे, ये जो स्विंग बनाया हुआ है ना, ये 900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। अगर फ्लैट भी ओपन होता है और यहाँ पे कहीं अगर ट्रेड करने लगता है, यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है, तो हम नीचे की साइड के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं पी साइड के लिए। उसके टारगेट्स ये रहेंगे, ये वाला स्विंग लो रहेगा, उसके बाद ये वाला स्विंग लो रहेगा 46,750 का, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 46,650 का रहेगा। और ज़्यादा ही अगर बेरिश हो गया मार्केट तो ये गैप भी फील हो सकता है जो कि टारगेट रहेगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, प्राइस लेवल लगा देता हूँ मैं, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला सेकंड टारगेट रहेगा, ये वाला थर्ड टारगेट रहेगा। तो हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं नीचे की साइड, अगर मार्केट नेगेटिव अगर ओपन होता है या नेगेटिव साइड में ट्रेड करने लगता है। तो अगर बाय साइड के लिए, अगर मार्केट समझो फ्लैट ओपन होके ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ये रहेगा, ये जो आज का हाई बना है ये वाला सबसे पहले रेजिस्टेंस रहने वाला है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट तो ज़्यादा लग नहीं रहा है कि कल देगा, क्योंकि जितना ये आप मूव कर चुका है तो एक रिट्रेसमेंट अभी मार्केट में पेंडिंग है। तो ये पहले एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद में मार्केट आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, मतलब ऊपर की साइड में अगर जाना है तो उसको पहले रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे निकलता है आने वाले दिनों में, ऊपर की साइड के लिए मैंने ये टारगेट मार्क करके रखे है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ऊपर की साइड में नेक्स्ट वीक में पॉसिबली ये मूव आ सकते हैं, ये जो मैंने मार्क किया है 47,450, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट रहेगा 47,589 का। उसके बाद में यहाँ पे अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो
48,163 या 4800 भी मार्केट जा सकता है नेक्स्ट वीक में। ये करेक्शन जो है इस वीक में अभी होना चाहिए, नेक्स्ट वीक में मार्केट ये वाले टारगेट दिखा सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी चलो निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी भी सिमिलर जो है काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एक भी रेड कैंडल अभी तक बना नहीं है, तो एक रिट्रेसमेंट इसमें भी मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। अभी अपसाइड के अगर दोनों में देखेंगे तो हम थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करने वाले हैं, अपसाइड के लिए ज़्यादा टारगेट नहीं रखने वाले क्योंकि बहुत स्टेज हो चुका है। अभी एक कभी भी रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकता है। ये डेली कैंडल में तो अभी भी बुलिश ही दिखा रहा है, तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं। इसके लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने एनालिसिस ये वाला जो टारगेट आया है ये मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको मार्क करके रखा था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो टारगेट्स थे ये मैंने 3 दिन पहले ही निकाल के रखे थे कि यहाँ पे मार्केट आ सकता है। ये वाला जो टारगेट है ये भी मैंने पहले ही यहाँ पे जब मार्केट गैप अप होने की कोशिश कर रहा था या बुलिश में यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तभी मैंने ये वाले टारगेट्स निकाल के रखे थे। आप मेरे पिछले वीडियो जो है उसमें चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या तो एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा एनालिसिस का, जिसमें मैंने ये टारगेट्स निकाल के रखे थे 2-3 दिन 4 दिन पहले। तो आज अगर देखेंगे तो मार्केट हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला टारगेट था सेकंड वाला, एग्जैक्टली वहीं पे ओपन होके मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर बुलिश साइड में जाने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया था जिसमें हमने लगभग 20 से 25 पॉइंट का एक ट्रेड लिया था, और यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया था तो यहाँ पे मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, ये वाला जो मुझे पैटर्न दिख रहा था कि एन पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बना सकता है, यहाँ से फिर से बुलिश हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक और बाइंग साइड का ट्रेड दिया था ग्रुप में, तो ग्रुप्स के अपडेट्स पाने के लिए, और लाइव मार्केट में भी मैंने बोला था, लाइव ट्रेडिंग में यूट्यूब लाइव जो मेरा चल रहा था उसमें भी बोला था मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा और कहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये मैंने पूरा अपडेट लाइव मार्केट में दिया था, ग्रुप में भी और लाइव यूट्यूब लाइव में भी। तो निफ्टी का भी अगर देखेंगे तो अभी ग्लोबल जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखा रहा है, और ये जो अपना गिफ्ट निफ्टी है, हालांकि उसको अभी फिलहाल ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि सुबह अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के वो दिखा रहा था इंडियन मार्केट का, लेकिन उसने उसको फॉलो किया नहीं है। अभी अगर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी 20,982 रनिंग, मतलब 151 पॉइंट्स, लगभग 1% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अपना अगर निफ्टी देखेंगे तो 20,856 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये 900 के ऊपर 21,000 के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम नहीं जा सकते कि गैप अप ही खुलेगा क्योंकि स्ट्रेच हो चुका है मार्केट, हो सकता है कल साइडवेज जाए, साइडवेज टू बुलिश भी रह सकता है और साइडवेज टू बेरिज भी जा सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट अभी मेन वही है कि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए फर्दर अप मूव के लिए। तो आगे का आने वाले नेक्स्ट वीक में 21,000 आ सकता है, या कल का अगर एक्सपायरी बैंक निफ्टी का हो जाता है, करेक्शन भी हो जाता है, तो उसके बाद में फ्राइडे को भी हम ये टारगेट्स 21,000 या 21,000 के ऊपर 21,105 ये टारगेट्स भी आ सकते हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की साइड के लिए हम थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट होके नीचे ट्रेड करने लगा, बेरिश अगर मूवमेंट कुछ रहेगा तो नीचे के लिए ये वाले टारगेट रहेंगे आपके 20,000। फर्स्ट टारगेट रहेगा 20,774, सेकेंड टारगेट रहेगा 20,730। मोस्टली 730 के नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड लेंगे क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट बनता है, ये जो डेलो है ना आज का, यहाँ से एक सपोर्ट बनता है, तो मोस्टली हम
यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जो है अभी तक बुलिश ही है। हो सकता है यहाँ यहाँ तक करेक्ट करे मार्केट, फिर से एक बार बुलिश हो सकता है मार्केट। अगर 700 के नीचे अगर कुछ ट्रेड करने लगा तो हम पी साइड के ट्रेड का सोचेंगे। वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूँगा टाइमली। तो आप, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, मतलब जो ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, फ्री में अपडेट्स देता हूँ। कॉल पुट जो भी रहेगा लाइव मार्केट में उसका मैं अपडेट टाइमली देते रहता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर सकते हो आप इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।